पार्टी की महिला प्रदेश अध्यक्ष सुचित्रा वाघ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही है और पार्टी के महिला मोर्चे के सशक्त और मजबूत बनाने का उनका लक्ष्य आसानी से उन्हें वो हासिल कर लेंगे। वहीं उन्होंने निर्भया टीम के वाहनों पर निर्भया कांड का आरोप लगाने वाली सांसद सुप्रिया सुले समेत महाविकास अघाड़ी के नेताओं को भी आत्मचिंतन करने की सलाह दी है। दरअसल आज कोल्हापुर में मीडिया तोहाली बाग ने सुझाव दिया कि सुप्रिया सुले के साथ महाविकास अघाड़ी के नेताओं को पहले खुद पर विचार करना चाहिए। कोल्हापुर सहित पूरे प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव चल रहे हैं। ग्राम पंचायत चुनाव में 18 दिसंबर को मतदान हो रहा है। इस चुनाव में पृष्ठभूमि में बीजेपी महिला अघाड़ी की प्रदेश अध्यक्ष चित्रा वाघ ने राज्यव्यापी दौरा शुरू किया। आज करवीर निवासी श्री अंबाबाई देवी के दर्शन कर पश्चिमी महाराष्ट्र के अपने दौरे की उन्होंने शुरुआत की। इस अवसर पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में चित्रा वाघ ने विभिन्न मुद्दों पर टिप्पणी की। पार्टी में महिला मोर्चे को सक्षम और मजबूत करने को हमने पहली प्राथमिकता दी है। इसके तहत प्रत्येक बूथ पर 25 महिला सदस्य नियुक्त किए जाने की बात भी उन्होंने कही। बावनकुळे जी यांनी एक अपेक्षा बोलून दाखवली होती की प्रत्येक बूथ वरती 25 महिला सुद्धा त्या ठिकाणी असाव्या, त्यामुळे येणाऱ्या दिवसामध्ये प्रत्येक बूथवर 25 महिलाही आपल्याला त्या ठिकाणी दिसतील। एवढंच नाही, आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका, लोकसभेच्या निवडणुकीतही 48 पैकी 45 जागा, तर विधानसभेच्या निवडणुकीतही 288 पैकी 200+ जागा जिंकण्याचा भारतीय जनता पार्टीचा मानस आहे आणि त्यामध्ये सुद्धा